दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के 10 महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा था। नंबर दो, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही पूरी हुई थी। इसके कुछ साल बाद इनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा। नंबर तीन, प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने के पश्चात गांधी जी कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने इंग्लैंड चले गए थे। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद के हाई स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। नंबर चार, मई 1883 में 13 वर्ष की छोटी उम्र में गांधी जी की शादी उनसे एक साल बड़ी कस्तूरबा के साथ हुई, जहां उनके भाई और चचेरे भाई की शादी भी संपन्न हुई थी। नंबर पाँच, गांधी दंपति के चार पुत्र थे जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास था। जुलाई 1918 में उनकी पत्नी कस्तूरबा ने अपने पहले जीवित पुत्र हरिलाल को जन्म दिया। नंबर छः, गांधी जी बचपन में स्वभाव से शर्मीले थे, खेलकूद में उनकी कोई रुचि नहीं थी, उनका अधिकांश समय किताबों में ही लगता था। नंबर सात, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने सत्य को ही सर्वोपरि माना था और इसी के चलते उन्होंने सत्याग्रह का भी आंदोलन किया था। नंबर आठ, शुरुआती दौर में गांधी जी श्रवण और राजा हरिश्चंद्र की कहानियों को पढ़ा करते थे, जिनका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। नंबर नौ, महात्मा गांधी ने कई छोटे बड़े आंदोलन संपन्न किए, परंतु इनको पहली बार राजनीतिक सफलता बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा के आंदोलन से प्राप्त हुई। नंबर 10, दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी वापस लौटे तब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके बाद अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने कई आंदोलनों को चलाया, जिसमें उनको राजनीतिक सफलता हासिल हुई।